नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं एसआर न्यूज़। मैं रिजवी आपको बताते चले, आज महागठबंधन में बड़ा विस्फोट हुआ है, वो विस्फोट पूर्णिया का है। हम आपको बताते चले कि जेडीयू से बीमा भारती, जेडीयू की जो विधायक थी बीमा भारती, जो आरजेडी में शामिल हुई, उनका टिकट आज कन्फर्म कर दिया गया है पूर्णिया से। लेकिन सबसे बड़ी बात, पूर्णिया सीट लगातार पप्पू यादव कहते आए हैं कि वहां से मेरी पूरी तरीका से वहीं से लड़ेंगे, मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। और वो बात भी सही है कि लगातार पप्पू यादव पूर्णिया का शुरू से दौरे कर रहे हैं, वहां लोगों के बीच में जा रहे हैं, वहां पुरानी लगाव है, वोट बैंक है उनका, उनका फेस वैल्यू है, वहां से वो रह चुके हैं। लगातार पप्पू यादव वहां के सिवा कहीं से लड़ने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन उसी बीच आज आरजेडी ने बीमा भारती को जो पूर्णिया का जो टिकट दे दिया, सिंबल दे दिया, घमासान हो गई। जैसा कि लगातार कांग्रेस में और आरजेडी वाम दलों में जो महागठबंधन का जो गठबंधन लोकसभा चुनाव का अभी तक सीट शेयरिंग क्लियरेंस नहीं हो पाया है। सीट शेयरिंग क्लियरेंस नहीं होने के बावजूद भी, लगातार बैठक के दौर जारी रहने के बावजूद भी, आज आरजेडी ने बिहार में बीमा भारती को पूर्णिया से टिकट दे दिया, सिंबल दे दिया, और घमासान होना लाजमी था, घमासान होना था। पप्पू यादव नाखुश हो गए हैं, पप्पू यादव नाराज हैं, लेकिन खुलकर वो बातें नहीं कर रहे हैं। लेकिन बीमा भारती प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती हैं कि आगे बात हो रही है, बात बन जाएगी, बात है, पप्पू यादव हम लोग का साथ देंगे। लेकिन पप्पू यादव के जो फेस होता है, वैल्यू होता है, जो फेस वैल्यू है पूर्णिया का, वो अलग है। लेकिन पप्पू यादव बहुत ही नाराज है, नाखुश है, वो कांग्रेस पे टाल मटोल करके टाल दे रहे हैं कि कांग्रेस इसका क्या जाने। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा धमाका होने वाला है बिहार में, कहीं ना कहीं पूर्णिया को लेकर बड़ा घमासान होने वाला है। जैसा कि लोग लगातार ऐसा भी चर्चा आ रही है, सूत्रों से खबर आ रही है, लगातार गठबंधन हो सकता है कहीं ना कहीं टूट जाए, कांग्रेस से आरजेडी गठबंधन जो है कहीं ना कहीं टूट जाए। और उसके बीच में इस तरह का बात हो जाना, पहले महागठबंधन में तो बात बन नहीं रही थी, लेकिन पप्पू यादव शामिल हुए, खासकर अपनी जो पार्टी को विलय किया कांग्रेस में, तो पूर्णिया को सीट लेकर ही ऐसी बातें कही जा रही है, जो सुनने में आ रहा है कि पूर्णिया का सीट को लेकर ही पप्पू यादव ने अपनी पार्टी को कांग्रेस में विलय किया कि पूर्णिया का सीट उनको मिलेगा, ऐसा सूत्रों का खबर है कि उनके जो पार्टी में शामिल हुई। लेकिन आज तरह का जो आज हुआ, जो बीमा भारती जेडीयू की विधायक थी जो आरजेडी में शामिल हुई, आज उनको आरजेडी से पूर्णिया का टिकट सिंबल दे दिया गया। और बीमा भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका पूरी तरीके से स्पष्ट भी कर दिया कि उनको टिकट मिल चुका है, और पप्पू यादव हो सकता साथ देंगे, उनको मना भी दिया जाएगा। लेकिन पप्पू यादव के जो देखने से रुझान से लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं बहुत ही नाखुश है, और कहीं ना कहीं बड़ा स्टेप भी वो लेने के इंतजार में है। बिहार में इस तरह का घमासान राजनीति में लगातार होते रहता है, इस पार्टी से आए उस पार्टी में गए, उस पार्टी से उस पार्टी में गए, उस पार्टी के उस पार्टी में टिकट दिए, इस तरह का लगातार होते रहता है। यह राजनीति के लिए सबसे खतरनाक बात है आगे के लिए, वो नजर भी आ रहा है। इसलिए कि कोई किस पे भरोसा करे, पहली तो सबसे पहली बात यह देखने को मिलती है कि कौन किस पे भरोसा करे यह पता ही नहीं चलता है। क्या होगा आगे राजनीति में, किसी को कोई खबर नहीं। अब आप देख सकते हैं कि यही घमासान लगातार हो रही है। अभी तक लोकसभा चुनाव की डेट घोषणा हो चुकी है, नॉमिनेशन का दौर शुरू होने वाला है, लेकिन अभी तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग की पूरी तरीके से बात फाइनल नहीं हुई है। किसको कहां से टिकट मिल रहा है, कांग्रेस कितनी सीट पर लड़ेगी, वाम दल कितनी सीट पर डलेगी, सीपीआई सीट, जो भी उनके महागठबंधन में है, आरजेडी कितनी सीट पर लड़े, कोई क्लियरेंस नहीं है कौन कहां से लड़ेगी। लेकिन आरजेडी जब से लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई है, आरजेडी अपने सिंबल बांटना शुरू कर दिया, अपने पार्टियों को सिंबल देना शुरू कर दिया, अपने जो भी प्रत्याशी है उनको, आरजेडी अपने प्रत्याशियों को सिंबल बांटना शुरू कर दिया। उसके लेकर कांग्रेस में नाराजगी तो थी ही, बैठक के लगातार दौरे जाब थी, दिल्ली में बैठक हो रही है, रोज बैठक हो रही है, लेकिन अभी तक बात क्लियर नहीं हुई है। ये बात बैठक के चलते ही बीच में आज बड़ा एक धमाका हो गया, पूर्णिया का टिकट जो जेडीयू के विधायक जो आरजेडी में शामिल हुई थी बीमा भारती को दे दिया गया। पप्पू यादव बहुत नाखुश है, पप्पू यादव का ही कहना है, शुरू से वो कहते आ रहे हैं कि पूर्णिया से हम लड़ेंगे, मर जाएंगे, लेकिन मरना मंजूर है, लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत ही गंभीर, अब आरजेडी और कांग्रेस में मामला फंस चुका है। बिहार में अगला क्या स्टेप होगा, गठबंधन रहती है टूट जाती है, देखने वाली बात होगी। इस तरह के तमाम ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।